ठीक है, इसमें सुनो दोस्तों, ईटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादा नगर हवेली दमन में बहुत सारी वैकेंसी आई है दोस्तों। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 11/5/2023 को रिलीज हुई है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या हमारी गवर्निंग बॉडी, इन्होंने वैकेंसी जारी की है दोस्तों। इसके बाद है ना आपको है ना दोस्तों, प्री स्कूल टीचर की 154 सीट है, DNH की 141 और दमन की 13 है। 30 और उसके नीचे होना चाहिए, बाकी यहाँ लिखा है एज रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी को। क्वालिफिकेशन में मांगी हुई है दोस्तों, आपके पास ये दोनों होना चाहिए और में दिया हुआ है ये या फिर ये होना चाहिए, या इंस्ट्रक्शन दिया है आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो इंग्लिश स्पीकिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है। और दोस्तों इसका सैलरी 10,000 पर मंथ रहेगा और कैटेगर और हेल्पर फीमेल के लिए है दोस्तों। 156 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है। DNH की 143 और दमन की 13 है। आपका 10th दोस्तों है ना 45% के मार्क्स से पास होना चाहिए और 5,000 सैलरी रहेगी दोस्तों। इसके बाद है ना नीचे दिए गए फॉर्म भर के आपको है ना सचिवालय में भरना है सिलवासा का। ये दोस्तों समग्र शिक्षा यहाँ पे ये पोस्ट ये जगह पे आपको बाय पोस्ट बाय हैंड आप भर सकते हैं। 66 समग्र शिक्षा सेकंड फ्लोर सिक्रेटेड 66 KB रोड आमली सिलवासा, ये सचिवालय है दोस्तों। सचिवालय में सेकंड फ्लोर पे आपको जाना है और शिक्षा समग्र यहाँ पे दमन में दमन की पोस्ट है, दमन दीव के लिए आपके पास ये पोस्ट पे आपको जाके भरना है। 31/5/2023 को तो 31/5/2023 को 5 बजे से पहले आपको दोस्तों ये फॉर्म भरनी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे प्री स्कूल का टीचर का यहाँ पे स्कूल और मीडियम और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ, आपको ज्वाइनिंग है, आप कहीं भी करा सकते हैं, आपको मेरिट में आना है बस। ये लोग जैसे जैसे एग्ज़ाम लेंगे दोस्तों आपको इस हिसाब से ये लोग मेरिट में रखेंगे दोस्तों। इसके बाद है ना एप्लीकेशन का जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो आप यहाँ पे टिक कीजिए और प्रायोरिटी क्या देना चाहते हो वो आपको फोटो लगाना है बाद में ये सब पोजीशन पोस्ट के हिसाब से आपको टिक करना है और प्रायोरिटी देना है। एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर दोस्तों। इसके बाद में ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का दोस्तों गूगल से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है दोस्तों। इसके बाद है ना आपको जेंडर बतानी है, कैटेगरी क्या है और फिजिकली हैंडीकैप हो या नहीं, मास्टर स्टेटस क्या है, डोमिसाइल क्या है आपके पास, डोमिसाइल है या नहीं वो बताना है, और मीडियम आपने 10th इंटर कौन सी मीडियम से पास किया वो बताना है दोस्तों। आपने पोजीशन पोस्ट के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे आपको मेंशन करनी है दोस्तों। इसके बाद में है ना एक्सपीरियंस बतानी है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है और आपकी अचीवमेंट क्या है अप्लाइड पोस्ट का, वो यहाँ पे लिख के बताना है दोस्तों। इसके बाद में है ना डिक्लेरेशन में जो पोस्ट आपने डॉक्यूमेंट दिया हुआ डिपेंड होगा था वो लोग निकाल सकते हैं। डेट क्या है वो जिस डेट से भर है, प्लेस क्या है, सिग्नेचर आपकी। और दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आपको नीचे दिए गए फॉर्म भर के है ना दोस्तों दिए गए टाइम से पहले आपको पहुँचानी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों DNH का DNH में और सिलवासा में जाके आपको बाय पोस्ट या बाय हैंड आपको भरनी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी दोस्तों। इसका कब का इंटरव्यू होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, सब मैं ये अपडेट देता हूँ। तो मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी अपडेट आपको सही टाइम पे मिल जाएगी दोस्तों। इसका डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगी और क्वेरी डिस्क्रिप्शन में रखिए और फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।